मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज सबट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन. नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट द इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन. लेट्स सी, आई एम डूइंग 8, 2 माइनस 6. नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन. यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन ऑन योर नोटबुक एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट फ्रॉम 0. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड व्हिच इज द फर्स्ट नंबर, दैट इज 2. द फर्स्ट नंबर इज 2. सो स्टार्टिंग विद 0 एंड मूव टू स्टेप्स एज 2 इज इन पॉजिटिव साइन. 2 की साइन कौन सी है? पॉजिटिव साइन है. फॉर द पॉजिटिव साइन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट. आपको 0 से राइट साइड मूव करना है. एंड फॉर द नेगेटिव साइन यू हैव टू मूव टूवर्ड लेफ्ट ऑफ द 0. ओके, मीन्स जब भी प्लस की साइन में नंबर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, आपको राइट साइड मूव करना है. नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, माइनस साइन वाले इंटीजर्स होंगे, आपको लेफ्ट साइड मूव करना है. जीरो से स्टार्ट कीजिए. मूव टू स्टेप्स हियर. देन व्हाट यू हैव टू डू, आप टू स्टेप जब मूव किए टूवर्ड साइड, अब आप टू में पहुंच गए. नाउ देन यू हैव टू मूव सिक्स स्टेप. अब आपको सिक्स स्टेप मूव करना है बट टूवर्ड्स राइट, बिकॉज सिक्स इज इन द नेगेटिव साइन. सिक्स की साइन कौन सी है? नेगेटिव साइन है. तो आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा. तो लेफ्ट की तरफ मूव करिए. वन स्टेप, टू स्टेप, 3, 4, 5 and 6. फाइनली आप कहाँ पे आ गए? माइनस 4 पे. तो ड्रॉ दिस एरो 4. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? फाइनली आप यहाँ पे रीच कर रहे हैं जहाँ आप पहुँच रहे हैं लास्ट में, दैट इज द आंसर. सो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4. राइट द आंसर इज इक्वल टू माइनस 4. दैट इज डन. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. नंबर के जस्ट पहले माइनस की साइन है, देन यू हैव
wordings are different, the explaining method are different, both are same. Clear? Means number के just पहले जो sign अगर plus की है तो आपको left की तरफ move करना है, अगर यहाँ पे minus की sign है तो आपको right की तरफ move करना है. Both are same, क्योंकि अगर यहाँ पे suppose चलिए यहाँ पे minus की sign होती तो minus minus plus होता है तो आप right side में move करेंगे. अब यहाँ पे plus है तो plus minus minus, आपको left में ही move करना है. All are same. Now let's take another example. Here 8 I have done C. Now I am doing D. Some different types of question करेंगे. D is minus 3, then minus in bracket plus 4. Okay. So here 3 is in negative sign. First number जो है वो किस sign में है? Negative sign में. 3 is in negative sign. It means we have to start from 0. हमें कहाँ से start करना है? 0 से start करना है. And at the first number is in negative sign. First number जो है वो negative sign में है. So we have to move towards left. 0 से start करेंगे, negative numbers की तरफ चलेंगे. How many steps? 3 steps. So 1 step, 2 step, 3 step. Minus 3. Now minus plus minus, two different sign है यहाँ पे, minus भी है plus भी है. So minus plus minus, और जो आपकी book में rule लिखा हुआ है वो आपको learn करना होगा. So आप जो हम आपको explain किया आप वो याद कर सकते हैं कि अगर two different sign होगी तो आपको minus ही करना है, अगर same sign होगी तो आपको plus करना है. ये आप ऐसे याद कर सकते हैं या आप ऐसे समझ लीजिए जो आपकी book में है. नंबर से जस्ट पहले प्लस की साइन होगी तो आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना. आप अपने फिंगर पे आप ऐसे याद कर सकते हैं. अगर सेम साइन है, इफ देयर आर टू सेम साइन देन यू हैव टू ऐड, इफ देयर आर टू डिफरेंट साइन देन यू हैव टू सबट्रैक्ट. दैट इज सिंपल. सो हियर वी हैव टू डिफरेंट साइन देन यू हैव टू सबट्रैक्ट एंड फॉर सबट्रैक्शन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. हाउ मेनी स्टेप? 4. सो माइनस 3 से 4 स्टेप. 1 That is minus 7 is equal to minus 7. Done. Then E is same as D. Now I will explain F. अब हम आपको F वाला explain करेंगे.
Now children, module number 4, that is subtract using number line. Same as module number 3, but here the questions are different. Here 5, then minus 3. So first of all solve this. As we have two sign ek saath mil rahe hain, to pehle hum isko solve kar lete hain. So how to solve it? Put the equal sign in the next line and then 5, open the bracket. What you have to do, you have to remove the bracket. But before removing the bracket, suppose हम bracket को remove करते हैं, minus, so it is not correct. Clear? Bracket को अगर हम remove कर देते हैं, हटा देते हैं, तो minus two sign एक साथ नहीं लिख सकते. This is nothing, 5 minus 3. So what we have to do, we have to change the sign. हमें sign को भी change करना होगा. How? As I told you, when there are same sign, जब हमें किसी question में सेम साइन मिलेगी, माइनस माइनस या प्लस प्लस. सो राइट नाउ वी हैव माइनस माइनस, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द नंबर. व्हेनेवर वी आर गेटिंग टू सेम साइन, वी हैव टू ऐड. हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है. मीन्स यहाँ पे साइन किसकी होगी, प्लस की होगी. माइनस माइनस प्लस. ओके, नाउ 5 + 3 = 8. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. अब हमें इसको सॉल्व करना है. So starting with zero. First step is 5. पहले हमें 5 तक चाहिए, 5 step. Then after 5 +3 step. So +3 step is what? 8. Answer is 8. Then next question. B. I am doing B. That is -7 -2. -7 सॉल्व कर देते हैं. आई एम डूइंग ई, हम ई सॉल्व कर रहे हैं.